महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोपों पर खेल मंत्रालय सख्त, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मांगा जवाब। खेल मंत्रालय ने कहा मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ धरने पर बैठे रेसलर्स, महिला रेसलर्स का फेडरेशन अध्यक्ष और कई कोचेस पर यौन शोषण का आरोप। रेसलर्स के आरोपों पर WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का जवाब, कहा यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई, अगर ऐसा हुआ है तो मैं फांसी लगा लूंगा। तेलंगाना में KCR की भारत राष्ट्र समिति का शक्ति प्रदर्शन, रैली में अखिलेश यादव, केजरीवाल हुए शामिल। KCR का ऐलान, 2024 में विपक्ष सत्ता में आया तो खत्म करेंगे अग्निपथ स्कीम। केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा हमारे पीएम को बेरोजगारों से मतलब नहीं है, वो 24 घंटे सोचते हैं किस सीएम को तंग करूं, अब देश बदलाव मांग रहा है। अखिलेश ने भी बीजेपी को घेरा, कहा अगर तेलंगाना से अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बीजेपी का सफाया हुआ तो यूपी से भी होगा, हम सब मिलकर नई सरकार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा आज, मुंबई को देंगे 38,000 करोड़ रुपए की सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। चुनाव आयोग ने आज 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान जो किया था उससे जुड़ी अपडेट आपको दे दे। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को आएंगे नतीजे। केंद्रीय कैबिनेट ने दी नई ईवीएम खरीदने को मंजूरी, 1300 करोड़ रुपए मंजूर किए, मौजूदा ईवीएम मॉडल को ही खरीदा जाएगा। पीएम मोदी पर नीतीश कुमार ने साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री विकसित राज्य से हैं, वो पिछड़े राज्य की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। राजस्थान में अपनी ही सरकार पर सचिन पायलट का हमला, रिटायर्ड अधिकारियों की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार को तय करनी पड़ेगी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री, लखनपुर बॉर्डर के रास्ते पठानकोट से कठुआ जाएंगे राहुल गांधी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जासूसी के आरोप में वित्त मंत्रालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार, पैसों के बदले सीक्रेट जानकारी दूसरे देशों को देने का आरोप, आरोपी के पास से मोबाइल जब्त। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस की मॉक ड्रिल, 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा की तैयारी। जोशीमठ को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, जोशीमठ के लिए कोशिशें जारी, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यूपी में सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू होगा NCERT का कोर्स, मदरसा शिक्षा परिषद बोर्ड की बैठक में लिया गया अहम फैसला। लद्दाख में 0 के नीचे तापमान, करगिल में ठंड की वजह से जम गया द्रास नदी का पानी, तस्वीरें आई सामने। कोलकाता में चीन के काउंसिल जनरल का बयान, दोनों देशों की तरफ से चीजें सामान्य है, राजनीतिक और सैन्य मोर्चों पर भी हालात सुधरेंगे। चीन में कोरोना को काबू करना आसान नहीं, शी जिनपिंग बोले इस बार कोरोना की लहर हिंसक और तेज, हमें और दवाइयों की जरूरत। अमेरिका से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया, चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर साधा निशाना, कहा सुरक्षा सहयोग क्षेत्रीय शांति के लिए अनुकूल हो। यूक्रेन के कीव में बड़ा हादसा, बिल्डिंग से टकराकर हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 18 लोगों की मौत। यूक्रेन से जंग पर पुतिन का बड़ा दावा, कहा इसमें कोई संदेह नहीं, यूक्रेन से युद्ध में रूस को मिलेगी जीत। बेलारूस और रूस ने किया साझा वायुसेना अभ्यास, बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ब्रिटेन में नर्सों की हड़ताल, सरकार से वेतन में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रनों से हराया, सीरीज में ली 1-0 की बढ़त। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।